नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्वालिटी मात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है और इसकी हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या होती है, और अगर इसकी कमी हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हम किस तरह से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जी इस वीडियो को। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपकी बॉडी में दूसरे हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी वैसे ही एक हार्मोन होता है। देखिए मेंस में ये एक मेन हार्मोन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी हेयर हेल्थ। सो अगर आपके बाल टूट रहे हैं या फिर जड़ रहे हैं तो उसका मेन रीज़न टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, क्योंकि हेयर की हेल्थ में एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ होती है मसल ग्रोथ। सो अगर अपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन एक मेन चीज़ है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। और तीसरी चीज़ होती है सेक्स। सो अगर आपको एक अच्छी हेल्दी सेक्स लाइफ चाहिए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पर्म काउंट के लिए। तो अगर आपके सेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेन रीज़न टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। अब कितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है हमें एक दिन में, तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली 7 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है एक दिन में। लेकिन अगर आपकी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो किस तरह आप उसको बूस्ट कर सकते हो? तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला है नेचुरली, मीन्स नेचुरली आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो, जिसमें पहला तरीका है एक्सरसाइज। सो अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बेस्ट वर्कआउट है लेग वर्कआउट। तो अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में बूस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है आपकी डाइट। सो काफ़ी फूड्स ऐसे होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन रिच होते हैं, मीन जिसे लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो है सैचुरेटेड फैट्स, जो कि आपको नॉर्मली चिकन से मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स आपके लिए अच्छे नहीं होते, तो आपको इसका कंट्रोल अमाउंट में यूज़ करना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिससे टेस्टोस्टेरोन को आप बूस्ट कर सकते हो, वो है सप्लीमेंट्स। मीन सप्लीमेंट्स के यूज़ से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप सप्लीमेंट्स का तभी यूज़ कीजिए जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा ज़्यादा कम हो, और सप्लीमेंट्स को यूज़ करने से पहले अगर आप किसी डॉक्टर की एडवाइस लोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और जिस सप्लीमेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ वो है हेल्थवीट का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो कि आता है इस ब्लैक कलर की पैकेजिंग में। मीन्स इस तरह की पैकिंग आपको देखने को मिलती है, और इसमें आपको मिल जाते हैं ये 60 कैप्सूल्स, जिसमें से 3 कैप्सूल को आपको यूज़ करना होता है एक दिन में। और इसके 3 कैप्सूल्स में जो आपको एनर्जी मिलती है वो है 0.2 कैलोरीज, और ना तो इसमें फैट्स होते हैं, ना ही इसमें डायरेटिव्स होते हैं, ना ही इसमें प्रोटीन मिलेगा। जो इसमें काउज मिलते हैं वो है 0.06 ग्राम, और जो भी इसमें एक्सट्रैक्ट्स आपको मिल जाते हैं वो सारे यहाँ आपको लिस्ट किए हुए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि इन कैप्सूल्स को लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो बिफोर बेड टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं सोने से पहले इसको लोगे तो एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट शो करेगा। पर अब मैं बात करता हूं इसके बेनिफिट्स के बारे में, कि इसे यूज़ करने से हमें फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, पहला फायदा ये कि इसे यूज़ करने से आपके एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फोकस बढ़ेगा। दूसरी बात ये, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो उसमें भी हेल्प होगी, मीन्स मसल ग्रोथ में भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है सेक्स लाइफ। सो आपकी सेक्स लाइफ भी इसे लेने से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेल ऑर्गन्स में एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट शो करता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। तो इन 60 कैप्सूल्स का जो प्राइस यहाँ लिस्टेड है वो है 1000 रुपीज़, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। सो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो वहाँ से खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को लेना चाहते हो तो पहले आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस ले लें, क्योंकि हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना डिक्रीज ना हो, क्योंकि वो नेचुरली भी इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों ये था टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और इस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का रिव्यू। उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी अपने व्यूज़ हैं, सवाल हैं, और वीडियो को कैसी लगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।